नाम कुलदीप सिंह है, आई एम मरीन इंजीनियर एट भावनगर। यहाँ पे सिचुएशन अभी बहुत खराब होती जा रही है, आज सुबह से एकदम इफेक्ट ज्यादा हो गया है पेपर जॉय का। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में टाइड, हाई टाइड का टाइम है, विंड इफेक्ट बहुत ज्यादा है ड्यू टू साइक्लोन, और अभी साइक्लोन को हिट करने में, लैंडफॉल करने में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। हमने 10 नंबर का सिग्नल काफी दिन से लगा रखा है, 10 नंबर सिग्नल इज द मोस्ट डेंजरस सिग्नल। उसके बाद में 11 नंबर होता है, जिसमें ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन भी फेल हो गया है। अभी हमने, आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस के ऊपर में, अभी हमने 10 नंबर सिग्नल लगा रखा है। टाइड और साइक्लोन एक साथ में आएगा तो डैमेज में थोड़ा एडिशन हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे अभी भी देख सकते हैं जो जेटी पे पानी आ रहा है वो हवा और टाइड की वजह से बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है, ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। इतना पानी नहीं आता, इतने अंदर तो कभी पानी नहीं आता है, ये साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से आ रहा है। हाँ, रात को 12 बजे टाइड वापस आएगा, तो अगर उस टाइम पे साइक्लोन का इफेक्ट आया यहाँ पे तो दोनों इफेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उससे पहले लैंडफॉल हो जाएगा सर क्रीक एरिया में।